आदित्य सुरजेवाला जीतने के बाद जश्न मना रहे हैं और यहां पर अपने समर्थकों के साथ जीतने के बाद आदित्य सुरजेवाला आदित्य जी जीतने के बाद किस तरह का लग रहा है? वहां जाके बात करेंगे, यहां बात होएगी जितना भी है वहां शोर का भी है। पर एक तो बोल दीजिए कि रणदीप जी कह रहे थे कि जो काम 2019 में रह गया था आदित्य ने कर दिया। हम कर बहुत बड़ी बहुमत से किया है और मैं जानता मेरी युवा शक्ति मातृ शक्ति बड़े बुजुर्गों ने पूरे आशीर्वाद के साथ अपनी मदद और मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे जिताया है। सबसे जवान 25 साल का एक एमएलए बनाया है जो अगले 50 साल उनकी सेवा करेगा और उनके बताए गए रास्ते पे एक न्याय सच और बदलाव के रास्ते पे चल के दिखाएगा। अभी लास्ट सवाल में रणदीप जी से बात कर रहा था, कहा था कि ये सारा आशीर्वाद जो है, लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए आ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे बड़े नेता है हमारे कांग्रेस पार्टी में जो पूरा प्रांत देखते हैं। मैं 25 साल का मैं सिर्फ कैथल और कैथल से लेना देना है, आप उनसे पूछिए, हम कैथल तो जरूर जीत गए। तो ये थे आदित्य सुरजेवाला जीतने के बाद रोड शो निकाल रहे हैं और कहा कि मैं सिर्फ 25 साल का युवा था, पहली बार चुनाव लड़ा और क्योंकि रणदीप सुरजेवाला उनके पिता हैं, बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में और कैथल से फिर से सुरजेवाला परिवार की एक तरह से वापसी हुई है। लीलाराम गुजर को आदित्य सुरजेवाला ने हरा कर वापस ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 कैथल।